So, welcome boys and girls. Let's begin the topic called as cash flow statement. Right? Very important topic. Right? Write down, this topic will be asked to you in accounts and in financial management also. FM and accounts, both the places they ask about cash flow statement. The combined weightage at an average for both the papers together can be around 16 marks. So cash flow statements is there in accounts also, and it is also there in FM, financial management, and the combined weightage for both of them can be around 16 marks. Matlab kisi bhi exam mein agar aap at an average dekhenge to 16 mark ke kareeb mein ye pucha gaya hai. Important hai. कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स में से एक होता है, जो बच्चे थोड़ा सा फियर फैक्टर में रहते हैं इस चैप्टर का. बट टेक्निकली अच्छा चैप्टर है, इट्स नॉट एट ऑल चैलेंजिंग. राइट? यू विल अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये सारी चीजें आपको पता चलेगी. शुरू करते हैं. पहली वाली चीज, ये किससे गवर्न्ड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो यू कैन राइट डाउन द हेडिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, व्हाई डू यू नीड कैश फ्लो स्टेटमेंट? व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो पहले एक हम चीज समझ लेते हैं. मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं कि उधार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैं लिखता हूं, क्रेडिट एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब क्या? मैं बोलूं, जितना ज्यादा आप क्रेडिट पे माल बेचोगे, उधार पर बेचोगे, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बचेगा, बढ़ेगा. चाहिए तो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं तुमको. उधार पर माल बेचो और आपको प्रॉफिट बहुत तूफान मिलेगा. चाहिए तो उधार एग्जांपल दे सकता हूं. कुछ सालों पहले जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो मैंने एक आइडिया आई मेरे दिमाग में. मतलब क्या साले ये मर्सिडीज शोरूम वाले गाड़ियां कुछ भी फालतू बेचते हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम बनाकर. देयर शुड बी कॉस्ट कटिंग, क्यों इतना खर्चा करने का? राइट? मैंने मेरे पापा को एक आइडिया दी. तुमको कैसे लगती है? देखो, मैंने मेरे पापा को आइडिया दी. मैंने मेरे पापा को बोला, पापा 1 करोड़ रुपए दो. उस जमाने में 20 लाख में एक मर्सिडीज आती थी. पापा 1 करोड़ रुपए दो. और मैंने कहा, अपने गाँव में जो ये एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे अपन अपनी मर्सिडीज गाड़ियां लगाएंगे बेचने के लिए, खरीद कर. इस तरीके से मर्सिडीज गाड़ियां लगी हुई है. और मैंने कहा, इसको सेल करना है. 5 गाड़ियां लगी हुई थी, एक की प्राइस थी 20 लाख. मैंने पापा को बोला, पापा एक काम करते हैं, इन गाड़ियों को बेचते हैं, इस पेड़ के नीचे से बेच कर दिखाऊंगा पापा. और मैंने कहा कि पापा, आप अपन इसको बेचते हैं अराउंड 40 लाख्स में, डबल द प्रॉफिट. 20 लाख की 40 लाख में बेचेंगे. और हम सिर्फ उनको एक ही स्कीम देंगे कि आज खरीदी करो और पैसा 3 साल बाद दो. तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा मुझे 5 गाड़ियां बेचने के लिए? आज लेकर जाओ, कुछ भी देने की जरूरत नहीं. कब देने का? डायरेक्टली 3 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स. क्या लगेगा मुझे? बहुत टाइम लगेगा बेचने को इसको. और इट कैन बी सोल्ड वेरी इजिली, इट कैन बी सोल्ड वेरी इजिली. लोग आएंगे, ऐरा गहरा नत्थू गहरा कोई भी आएगा और बोलेगा, मेरे को चाहिए भाई, तू दे गाड़ी दे. अब मान लो मैंने गाड़ी बेच दी, तो आपके लिए मैं ये P&L अकाउंट बनाता हूं, सिर्फ आपके कहने की वजह से. P&L अकाउंट में मैं लिखूंगा यहां पर, सेल 40 लैक्स इंटू 5, इट इज 200 लैक्स. और मैंने परचेज किया था फॉर अराउंड 20 लैक्स इंटू 5, दैट इज 100 लैक्स. ये प्रॉफिट आ गया कितना? 100 लैक्स.
100 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 3 दिन में, गाड़ियां बेच दी सारी, गांव भर में ढिंडोरा पीटा, इमेजिन करो। फिर अगले दिन मैं गया एक ग्रोसरी स्टोर के पास, मैं ग्रोसरी स्टोर के पास गया और ग्रोसरी स्टोर से मुझे पेस्ट खरीदनी थी, टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए चाहिए था गांव में। मैं गया वहां पर और मैंने उसको बोला, लाला टूथपेस्ट दे। लाला कहता है पैसे दे। मैंने कहा बे ओ नलायक, मालूम नहीं क्या, 3 दिन पहले हमको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ था, अभी दे कल ला कर देता हूं तेरे को, या कुछ दिन बाद दे दूंगा। तुम्हें क्या लगता है लाला मुझे देगा? लाला मुझे टूथपेस्ट नहीं देगा। लाला ने कहा दफा हो जाना लायक खोपलेस चैप, आज बिना ब्रश के रह जा, जिस दिन पैसे होंगे उस दिन लेके आना। बट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मेरी नौबत कैसे आ गई मैं किसी और के पास में हाथ फैलाऊं? 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एंड आई एम बेगिंग पीपल, ए उधार पर माल बेच, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा 3 साल बाद मिलेगा और आज मेरे पास कुछ पैसा नहीं। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं बैंक में जाता हूं, मुझे और प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, मुझे और धंधा बढ़ाने की इच्छा है, मैं बैंक के पास जाता हूं, देखिए भाई साहब मैंने इतना अच्छा धंधा किया, 1 करोड़ की चीज को 2 करोड़ में बेचा और मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आप मुझे कृपा करके और 1 करोड़ का लोन दीजिए ताकि मैं और 1 करोड़ की चीज 2 करोड़ में बेचूं और प्रॉफिट 2 करोड़ करूं, तुम्हें क्या लगता है बैंक पैसे देगी? तो इस क्लास में एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, कि कोई भी बोल नहीं रहा है कि सर पैसे देगी बैंक, क्योंकि बैंक किस में इंटरेस्टेड है? रीपेमेंट कैपेसिटी। आपका कितना प्रॉफिट है इससे लेना देना नहीं होता सरकार। प्रॉफिट डज नॉट ऑलवेज सेज हाउ मच कैश डू यू हैव, एग्रीड? तो बेटा जी आपको एक चीज समझनी जरूरी है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना प्रॉफिट बढ़ सकता है, बट इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास कैश भी आई है। सो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन समझने के लिए, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट या पोजीशन समझने के लिए उनको क्या बनाना पड़ता है बेटा जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट दे हैव टू क्रिएट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो ना क्या बनाना पड़ता है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस पॉइंट की वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनना शुरू हुआ। सो लेट सी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कैसे हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ AS3, कैश फ्लो एग्जिबिट्स द फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैश, कैश कितनी अंदर आ रही है और कितनी बाहर जा रही है। असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड टू यूटिलाइज द कैश, कितनी कैश जनरेट करती है और उस कैश को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। टूल्स फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज एज ऑलरेडी स्टेटेड। ओके, एप्लीकेबिलिटी। AS3 बेटा सभी को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होता है ये। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको अप्लाई करता है? दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू द फॉलोइंग एंटिटीज विच हैव अ टर्नओवर ऑफ हाउ मच मोर देन 50 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है उसके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्लाई होता है। बोरिंग मोर देन 10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, जिनका बोरिंग्स लोन लेंडिंग 10 करोड़ के ऊपर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंटरप्राइजेस ऑफ एनी ऑफ द अबव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सो 50 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ का लोन, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या फिर बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज ऑफ द पॉइंट स्टेटेड अबव, इनके लिए AS3 इज एप्लीकेबल। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज एप्लीकेबल टू दिस 5 एंटिटीज। बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते क्या क्या है बेटा जी। फर्स्ट बेनिफिट, इट असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्वेलेंट। यू हैव नाउ अंडरस्टूड अ न्यू वर्ड, कैश एंड कैश इक्वेलेंट। आई टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर ऑन। इवैल्यूएट द चेंजेस इन नेट असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू अफेक्ट द अमाउंट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द कैश फ्लोज। कब कैश फ्लोज आएंगे आपके पास, कितने जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है कैश फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है व्हाटएवर, तो उसकी लाइबिलिटी आप पेमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसी कुछ चीजें आगे पता चलती है। तो जब मैं कैश फ्लो आपको पढ़ा दूंगा प्रैक्टिकली, तब आप ये चीजें बोलोगे कि हाँ सर ये चीजें पता चलती है। मतलब अभी के सिनारियो में, करंट सिनारियो में
क्या हम उतनी कैश जनरेट कर पा रहे हैं क्या मेरे ऑपरेशन से, जिससे कि मैं मेरे पेमेंट कर पाऊं। ये सब चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। कंपेरेबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, यस। इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, बिल्कुल सही है। और चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, पास्ट में जो हमने कहा था कि भाई इतने पैसे हम जनरेट करेंगे तो क्या हमने जनरेट किया या नहीं किया, ये पता चलता है। इसको हम बोलते हैं कैश बजट। तो जब आप बजट बनाते हो तो उस बजट में से आपने उतनी कैश जनरेट की या नहीं की, ये भी आपको वहीं से पता चलता है। बोलो ना। हाँ, यस। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लिखते जाएंगे मेरे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सुनिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बेटा जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह बेटा कि वो कैश नहीं है बट कैश जैसा ही है, जिसकी लिक्विडिटी है। मतलब आप जब भी चाहो आप कैश में कन्वर्ट कराना चाहो तो करा सकते हो, और मैच्योरिटी में देर इज नो लॉस ऑफ वैल्यू। एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मान लेते हैं, मेरी फिक्स डिपॉजिट है। नाउ फिक्स डिपॉजिट मैं कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस। मुझे एफडी तोड़नी पड़ेगी और मैं कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं। और तो और बेटा, उसकी वैल्यू भी कम नहीं होती। मतलब देर इज नो लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब ऐसा एकदम रिस्की नहीं। अब तुम बोलोगे सर हमारे यहां पर कुछ शेयर्स है, शेयर्स को भी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एकदम इमीडिएटली। मगर शेयर की और एक खास बात है बेटा जी, कि उसका फ्लक्चुएशन काफी हो सकता है कि कितनी कैश मिलेगी। तो एक शेयर आपने 400 में खरीदा था, जरूरी नहीं कि वो 400 में बिके। एग्रीड? वो कम या ज्यादा। सो देर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि वो कैश जैसा ही होता है, बस कैश के फॉर्म में नहीं होता है, और उसमें देर इज नो लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज लाइक एफडी, इज लाइक लिक्विड फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप उसको कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हो एंड देर इज नो लॉस ऑफ कैश जनरली। देखिए, इट इज फर्स्ट वन, held for the meeting, held for the purpose of meeting short term cash commitments, readily convertible in cash and subject to significant risk, nahi ekdam minute risk of changes in value change hoti nahi, lagbhag wahi value rehti. Agreed? Insignificant means not a major change in the value. And the last one is what? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट। मतलब शेयर्स को आप कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड कहता है, अनलेस दे आर कैश इक्विवेलेंट। आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं, आपने कभी भी अज्यूम नहीं करना है कि शेयर्स कैश इक्विवेलेंट है। आपने हमेशा क्या अज्यूम करना है, कौन कौन कैश इक्विवेलेंट है? कैश, दूसरा क्या है, एनी शॉर्ट टर्म, सॉरी, दैट इज कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होगा, एक कोई भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट असेट जो शॉर्ट टर्म के लिए है, राइट? और एक चीज ध्यान में रखना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट इज टू से दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंज इन द वैल्यू। दे आर सब्जेक्ट टू व्हाट? इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलो अभी आगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडेम्पशन डेट कैन बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट। मैंने कहा था ना कि शेयर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट एक्सेप्ट व्हेन इन सब्सटेंस वो कैश इक्विवेलेंट है। तो ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल में क्या कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है एक 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद में उसकी मैच्योरिटी है और उतने पैसे हमको कंपनी ही देने वाली है। बोलो ना। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? कैश इक्विवेलेंट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। इज दैट ओके? लेट्स मूव इट। अरे लिखना था आपको, ये लिख कर ले लीजिए।
चले क्या आगे चले झनकार बिट्स चलो आगे चले देख लीजिए प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब प्रेजेंट होता है तो देर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट सो आई विल राइट डाउन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट और कितना इनडायरेक्ट सो देर आर टू मेथड्स विच आर बीइंग प्रमोटेड बाय AS3 वन इज डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 हालांकि रेकमेंड करता है आपको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रेकमेंड करता है कौन सा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ व्हाट इज दैट बिफोर आई एक्सप्लेन यू लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे तो सुनिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और तीसरा आएगा बेटा जी क्या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सो लवली बॉयज एंड गर्ल्स देर आर थ्री एक्टिविटीज विच आर बीइंग डिजाइंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ यू आर नॉट एट ऑल अवेयर कि ये है क्या तीनों एक्टिविटी मैंने बताया ही नहीं आपको मगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके अंदर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड इसके अंदर है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड एग्रीड और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बेटा जी है ऑलवेज डायरेक्ट मेथड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी है हमेशा कौन सा डायरेक्ट मेथड मतलब बेटा जी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है आप ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट यू शुड रादर से दैट कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है बाकी दोनों के लिए कौन सा मेथड है डायरेक्ट तो अगर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा मतलब मैं किसके लिए सिखाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज दैट ओके सो पहले मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड तो आप फिलहाल के लिए इतना लिखकर ले लीजिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है Shall I go ahead? Shall I? Okay, here we go. So, cash movement under three different heads. That is operating activities and investing activities and financing activities. Fir operating activities mein beta kitna hai? Direct method and indirect method. Aur beta ji, isme kaun se hai? Financing, investing, मैं एक ही मेथड है और वो कौन सा है बेटा जी मैं बोल रहा हूं ना तुमको इसमें कौन सा मेथड है डायरेक्ट इन दोनों में कौन सा है डायरेक्ट है डायरेक्ट मेथड ओनली इज दैट ओके सो माय डियर फ्रेंड लेट्स रीड इट एन एंटरप्राइज प्रेजेंट्स इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन अ मैनर विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इट्स बिजनेस अ सिंगल ट्रांजेक्शन में इंक्लूड कैश फ्लोज दैट आर क्लासिफाइड differently let's talk about it little more analytical way right so the first one is
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधा करते हो, बिजनेस करते हो। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस यू कंडक्ट योर बिजनेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डीलिंग इन टू अ सारी शॉप, यू आर सेलिंग सारीज, देर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स बाइंग एंड सेलिंग सारीज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अग्रवाल क्लासेस द मेन कोर एक्टिविटी इज इम्पार्टिंग द एडुकेशन, is imparting the education for CA students, so fees received, similarly any stationery expenses, salary remuneration to faculties is an operating activity. You can now imagine operating activity for a cake shop. For cake shop, operating activity is what? Sale of cakes. And what are the expenditure for them? Buying the relevant items by which a cake is made. For a sports shop, जहां पे sports के equipments बिकते हैं, so for them, my dear friend, the operating activity is what? बोलो, very good, sale of sports equipment, and my dear friend, if they purchase any sports equipment, that is also what? Operating activity. So these are simple operating activity. Ordinary course में जो आप करते हो वो है operating activities. Let's see. Cash flows from operating activities are primarily derived from the principal revenue producing activity of the enterprise. Sir, a principal revenue producing activity कौन सी होती है? जिसका आपको shop act मिला है या जिसका आपका VAT का registration हुआ है कि भाई ये काम क्या करता है आदमी, वो principal revenue producing activity. Next, they generally result from the transaction and other events that enter into the determination of net profit or loss. जनरली ये सारे आइटम आपको कहां पर दिखाई देते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, जिससे नेट और प्रॉफिट लॉस आपको पता चलता है, हालांकि ये फुल प्रूफ नहीं है, मतलब ऐसा बोलना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ की इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज हैव बीन जनरेटेड सफिशियंट कैश फ्लोज टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। सर काय बोलला काय कळालं नाही, लेट्स अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है बेटा, मैं एक दिन यहां से जा रहा था, राइट, एडुकेशन फील्ड में आने के बाद मैं हमेशा से दिली तमन्ना रही है कि बच्चों को गाइड करूं और किसी तरीके से एक स्कूल में मैं एज अ ट्रस्टी बनूं, बराबर है। सो मैं ट्रस्टी बनने की चाहत रख रहा था, बहुत ज्यादा चाहत कि किसी तरीके से ट्रस्टी बनूं। प्राइवेट स्कूल थी मान लो, और प्राइवेट स्कूल से हमें प्रॉफिट भी मिलता था कि कितने बच्चे एनरोल हो उसके बेसिस पर। सो मैं एक बार जा रहा था, जैसे ही मैं जा रहा था मुझे एक मेरा मित्र मिला, उसका नाम है छगन लाल। छगन लाल ने बोला, आनंद भाई कहां जा रहे हो? आई सेड, यार ऑफिस में जा रहा हूं। बोलो। तो ही सेड, मेरी एक स्कूल है। मैंने बोला, वेरी गुड यार, तेरी स्कूल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। कि बेटा बोले, आके एक बार देख के तू जा। मैंने कहा आ जाऊंगा, देख लेता हूं, क्या तकलीफ है, तूने बनाई स्कूल तो अच्छी बनाई होगी। छगनलाल, मैं स्कूल देखने के लिए गया, ठीक है। स्कूल में जाते ही छगनलाल ने मेरे सामने खोली बैलेंस शीट और उसका रिलेटेड पी एंड एल अकाउंट। जैसे पी एंड एल अकाउंट ओपन किया, उसने पी एंड एल अकाउंट में मुझे बताया, इस बार करंट ईयर प्रॉफिट 25 लाख। मैं देखकर बहुत खुश हुआ। छगनलाल ने बोला, पार्टनर बनेगा क्या? स्कूल का पार्टनर बनेगा क्या? तू भी तो इसी फील्ड में, बन जा पार्टनर तू। मैंने बोला, हाँ यार क्यों नहीं बनूंगा पार्टनर, बहुत अच्छा है, 25 लाख का प्रॉफिट है यार, कहां दिक्कत थी। मैंने बोला, कर देंगे। मैंने कहा, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? हाँ, तुम्हारे दोस्त है इसलिए। मैंने बोला, कितना लगेगा? तो ही सेड, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। मैंने बोला, 1 करोड़ रुपए पे बैक पीरियड सोचा 4 साल, और पूरी स्कूल में अपन ही रहेंगे, कहां दिक्कत है, कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपए देकर बात पक्की हुई, 1 करोड़, और मैं उस स्कूल का ओनर बन गया। वॉट एवर, आपको जो समझना है समझिए। और स्कूल में क्या कहते हैं उसको,
प्रॉफिट कमाने के लिए मैं तैयार हो गया। न्यू न्यू सूट सिलाया मैंने, एक सूट सिलाया, सूट को पहना जून के महीने में, एकदम खड़ाखट मस्त बेगी, अच्छी सी टाई ली, एंड आई गॉट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड रियली वेल। कहा पहले दिन जाऊंगा स्कूल में, जाकर बच्चों को गाइड करूंगा सूट में, नए ट्रस्टी जाए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वेंट इन टू द स्कूल। स्कूल में गया तो कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं, कोई प्रेयर नहीं, एल है तो प्रेयर नहीं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं लेट आया होगा, तैयार होने में टाइम लग गया होगा। मैं गया जरा ऑफिस में, मिला मैं ऑफिस में जाके बैठा, राइट, और बैठने के बाद में मैंने बोला चलो अब मैं क्लासरूम में जाके आता हूँ थोड़ी देर। एक किसी वहां के प्यून को पकड़ा, बोले चल मेरे को क्लासरूम में दिखा। पहली क्लासरूम में गया तो वहां पर एक बच्चा था, दूसरी क्लासरूम में अराउंड चार बच्चे थे, फिर तीन बच्चे थे, फिर किसी में पांच, फिर दो, फिर किसी में एक, और किसी में प्रोफेसर ही आया हुआ था, सिर्फ बच्चा आया ही नहीं था। मैंने बोला अभी अभी स्कूल चालू हुई तो क्या बच्चे एबसेंट है क्या, आई मीन क्या बोलते, कहीं जल्दी शुरू कर दी क्या हमने स्कूल। बोले क्या बात कर रहे हो, बोला सर आज तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा अटेंडेंस है, द हाईएस्ट अटेंडेंस इज राइट नाउ। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम, 1 करोड़ रुपए दिया है मैंने। प्रोफेसर बोला सर आपने देखा नहीं क्या, आपको पता नहीं था क्या। मैंने बोला मैंने देखा है, प्रॉफिट था 25 लाख रुपए का। अरे भाई ये डर गया था पूरा, 25 लाख का प्रॉफिट देखा था मैंने तो, सिर्फ मैं गया स्कूल में, मतलब 25 लाख रुपए कमाऊंगा हर साल, 1 करोड़ का पे बैक पीरियड भी इमेजिन कर लिया। बोला सर कौन सी दुनिया में हो, ये स्कूल में पिछली बार 25 लाख रुपए का प्रॉफिट इसलिए हुआ था क्योंकि जो सामने वाला ग्राउंड था ना वो बेच दिया, तो उस ग्राउंड का बेचा हुआ जो वैल्यू में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में दिख रहा है, तो उसको देखकर आपने खरीद लिया, तो आप तो पागल निकले। बच्चे कितने होते हैं, बच्चे कितने होते हैं यहां पर, तो हंसने लगा, सर क्या पूछ रहे हो आप ये। अरे मैंने बोला गोली मार नलायक, इधर कितने स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। फिर बोला सर ये हाईएस्ट अटेंडेंस है, पिछली बैच में तो ओनली 3 स्टूडेंट्स थे, इस बार आप गिन लीजिए 1+4 5, 5+3 8, 8+5 13, 13+2 कितना 15+1 16 बच्चे है सर, और कितने चाहिए। एंड देन आई वॉज इन स्ट्रेस, तुम्हें पता है मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने प्रॉफिट देखा और प्रॉफिट के बारे में फोकस ही नहीं किया कि कौन सा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं था, ये ऑपरेटिंग कोई लैंड को बेचकर था। सो बेटा जी इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये चीज करने की कोशिश की उन्होंने कि आपकी जो कोर एक्टिविटी है उससे कितनी कैश जनरेट कर पा रहे हो आप, हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम योर कोर एक्टिविटी। सो हेंस माय डियर फ्रेंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस, जैसे मैं सीए हूं तो मैं सर्विसेज रेंडर करूंगा, कंसल्टेंसी, डॉक्टर भी सर्विसेज रेंडर करते हैं। कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट टू एंड बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कैश रिसीट एंड पेमेंट बाय एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज, प्रीमियम क्लेम्स एंड एन्यूटीज एक्सेट्रा, ये इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात चल रहा है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, कैश पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो वॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीट एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पसेस, राइट, जिसमें हम डे टू डे बेसिस पर डील करते हैं, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस के केस में अगर मान लो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि सारे वीडियो शूटिंग कर देना है, सो दैट इज माई कॉन्ट्रैक्ट एंड विच इज रिलेटिंग टू माई डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना कुछ कि आपके यहां पर यह फंक्शन है इसमें हम फूड सप्लाई करेंगे, फाइन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये मैं इसी चीज में डे टू डे डील करता हूं ना एज ए केटरर, एग्रीड। नेक्स्ट क्या, कैश फ्लोज फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटीज वेयर द एंटरप्राइज होल्ड्स अ सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, मतलब सिक्योरिटीज में डे इन डे आउट ट्रेड करना और उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड करना इज नथिंग बट ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सर एक एग्जाम्पल,
म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस समटाइम्स, सो दैट्स इट। सो एनीवेज माय डियर फ्रेंड, कैश फ्लो एक्टिविटीज फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये क्या है? सीधा सिंपल, जिसमें आप व्यापार कर रहे हो, जिसमें आप धंधा कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी कोई लेन देन है कैश का, वो कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो ना। हाँ, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेथड्स, तो कितने मेथड हुए बेटा जी? दो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड सिंपल है, मैं आपको बनाकर दो मिनट में समझा देता हूं कि क्या है। मुझे कैशबुक नहीं आ रही, कैशबुक कोई बता सकता है मुझे? कैशबुक में बेटा इधर आता है बाय परचेसेस, बाय सैलरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है ना? जो जो पेमेंट किया वो इधर लिख दिया, और इधर क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग कैश, टू सेल्स, एग्रीड। इस तरीके के सारे रिसीट्स आपको दिखेंगे। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करना है, तो ये जो कैश बुक है इसको ऐसा करके ऐसा घुमा देने का। कैसे घुमाऊंगा? देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं बना रहा हूं, मैं इधर लिखूंगा ओपनिंग कैश बैलेंस, या ओपनिंग कैश बैलेंस अभी नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? सेल्स लेस परचेसेस लेस सैलरी पेड लेस इलेक्ट्रिसिटी पेड। तो जब मैं पेड पेड लेस कर देता हूं, बोलो ना। हाँ, जब मैं पेड पेड लेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जितना खर्चा किया धंधा चलाने के लिए और धंधे से जितना पैसा मिला माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन अदर वर्ड्स, डोंट यू थिंक सो इट इज अ कैश बुक? रिसीट साइड ऊपर लिखो, पेमेंट साइड माइनस करो। अब रिसीट साइड में इधर यह लिखा रहेगा टू लोन, मतलब मैंने लोन लिया, तो बेटा लोन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुई ना, लोन कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो इसलिए मैं इस लोन को यहां पर नहीं लिख सकता, बस इतनी चीज का ध्यान रखना है, वो धीरे धीरे हम समझेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है, आपको क्या दिखाना है? रिसीट, और उसमें से क्या लेस करना है? पेमेंट। बट ध्यान रहे, इट शुड ओनली बी रिलेटेड टू विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोलो हाँ, पक्का? लेट्स गो अहेड। डायरेक्ट एक्टिविटी ये रही आपके सामने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज माइनस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स पेड, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। और बेटा जी, अगर प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, मतलब कहीं अर्थक्वेक होगा वगैरह वगैरह वगैरह, उसके वजह से पैसा मिला, तो वो ऐड करेंगे, और लास्ट में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार आप लिख कर ले लेंगे डायरेक्ट एक्टिविटी का फॉर्मेट।
ओके बच्चों, शैल वी गो अहेड। ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत आसानी से आप कर भी लोगे। डायरेक्ट मेथड, सेम डायरेक्ट मेथड आपको अप्लाई करना है किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी, और किसमें अप्लाई करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें एक्चुअल कैश कितनी मिली लेस कितना कैश पे किया, आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिमिलरली फाइनेंसिंग के लिए, सिमिलरली किसके, इन्वेस्टिंग के लिए। मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। शैल वी अंडरस्टैंड दिस। देखो, इनडायरेक्ट मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। ओके बेटा, मान लो मैंने करंट ईयर में बिजनेस शुरू किया, आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन द करंट ईयर। ओके एंड डियर फ्रेंड्स, आई परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 4 लाख। ओके एंड आई सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5 लाख। और बेटा जी, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 रुपीज का। समझ में आ रही है क्या बदन में? अगर मैं डायरेक्ट एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालूं, डायरेक्ट एक्टिविटी से, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में मैं बोलूंगा कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ। सो मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो लिखूं, कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल कितना बेटा जी, 5 लाख। फिर मैं बेटा क्या करूंगा, कैश पेड, कैश पेड फॉर परचेस कितना है बेटा जी, 4 लाख। तो बेटा जी आप मुझे बताओ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितनी हो गई, वन लाख। डू यू ऑल एग्री? सिंपल सी तो बात है। मगर अभी इसी चीज को मैं आपको दूसरे एंगल से भी प्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि बेटा ये फिजिबल नहीं होगा रियल लाइफ में। क्यों फिजिबल नहीं होगा? आप नहीं फील कर पा रहे हो कि रियल लाइफ में कैश बुक कैन गो इन नंबर ऑफ पेजेस। सोचो, एक कैश बुक हो ही नहीं सकती एक बुक, तो रियल लाइफ में कैश बुक कैन गो इन नंबर ऑफ बुक्स। अब उस सभी में से डिटेल्स निकालना कि अच्छा ये इतना रिसीट हुआ, इतना पेमेंट हुआ, वो डेटा सेग्रीगेट करने में हमारी जान निकल जाएगी। तो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्टली बना सके। सो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। अब तुम सभी लोगों को पता है कि यही राइट आंसर है, बोलो ना। हाँ, सिंपल सा मैंने आंसर लिया, राइट आंसर यही है। मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या हुआ होगा। और बेटा ऐसा हुआ होगा क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर सेल 4 लाख, 4 लाख नहीं 5 लाख, आई एम सॉरी, 5 लाख दिखा होगा क्या? और बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक दिखा होगा 50,000, हाँ नहीं? और परचेसेस दिखा होगा यहां पर 4 लाख। तो बेटा एनपी कितना आया होगा, 1,50,000। ये क्या आया होगा रे छुरे, एनपी 1,50,000। जो समझ गए हो तो बोलो हाँ। अब उसी के नीचे मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कितना, 50,000। मैंने जो रिलेवेंट आइटम थे मैंने वो लिख दिए। अब बेटा जी इस मेथड में क्या होता है, शुरुआत कैश बैलेंस से ना करते हो, हम शुरुआत कहां से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल मेरे जेब में 5,000 रुपए थे, मैंने घड़ी खरीदी, अब मेरे जेब में 500 रुपए ही बचे। अरे ऐसे कैसे 500 रुपए बचे, 5,000 रुपए थे, मैंने घड़ी खरीदी, एक वॉच खरीदी, अब मेरे जेब में 4,500 रुपए बचे, कैसे, क्या क्या किया होगा मैंने, क्या किया होगा? समझ में आया? घड़ी परचेस की सीधी सी बात है यार,
कॉमन सेंस की बातें पूछता हूं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अब मुझे बताओ, घड़ी खरीदी मतलब एक असेट आई तो कैश गई। वैसे ही अगर मेरा स्टॉक बढ़ गया पिछले कंपैरिजन में, करंट ईयर की बैलेंस शीट है, पिछले साल बैलेंस शीट थी नहीं, नया नया धंधा चालू किया है, तो अगर मेरा कोई स्टॉक बढ़ गया, कोई असेट बढ़ गई, इसका मतलब मेरा कैश कम हुआ। अगर इस क्लासरूम में मैं कुछ बेंचेस और बिठवा दूं तो बेंचेस मतलब मेरी असेट बढ़ेगी, मगर मेरा क्या कम होना चाहिए? कैश। ये मीनिंग हुआ उसका। सो व्हेन योर असेट इंक्रीजेस योर कैश फॉल्स। सो बेटा जी, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या? नेट प्रॉफिट में मैं बोलूंगा लेस इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक बढ़ा होगा मतलब क्या होगा? कैश कम हुई होगी। तो बेटा जी मेरा कैश प्रॉफिट कितना आया? सो मेरा कैश फ्लो कितना आया फ्रॉम ऑपरेशंस? 1 लाख। तो ये शुरू कहां से होता है, समझ में आएगा तुमको? ये शुरू होता है फ्रॉम विच एक्टिविटी? सॉरी, इट बिगिंस फ्रॉम व्हाट? प्रॉफिट। प्रॉफिट को एडजस्ट कर हम उससे क्या निकालते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये लगने में बहुत इजी लगता है, फिर स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आप पूरी कैश बुक अगर देखते रहोगे तो बेटा परेशान हो जाओगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो मल्टीपल जगह पे कैश बुक होगी, है नहीं? तो इसीलिए बेटा वो अप्रोच सही नहीं है डायरेक्ट मेथड, विच इज मोर अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट मेथड, इन विच यू स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और उसमें एडजस्टमेंट एड लेस कर आप क्या निकालते हो? व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस? इज दैट ओके? So I'll request you all to write it down, this example.
बेटा ये जो फॉर्मेट मैंने अभी आपसे कराया वो एकदम आसान वाला करा है, मतलब एकदम एक पिद्दू सी ट्रांजेक्शन ली, एकदम पिद्दू सी। अभी थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हम बढ़ाएंगे और इसको पहले समझेंगे, फिर मैं आपको एकदम रियल फॉर्मेट के पास एक्सपोज करूंगा। इज दैट ओके? बट बिफोर वी गो थोड़े से बिट्स एंड पीसेस में कुछ पार्ट समझ लेते कि ऐसा होता है क्या। अब सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई असेट बढ़ जाती है तो कैश कम हो जाती है। अगर आपको इसमें कोई एतराज नहीं तो बोलिए। गोल्ड खरीदा, कैश दे, तो असेट बढ़ी, गोल्ड बढ़ा और कैश कम हो गया। तो ये कॉमन है कि कोई असेट बढ़ी तो कैश कम होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। असेट कम हुई तो कैश बढ़ जाएगी, क्योंकि असेट को बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा। लाइबिलिटी बढ़ गई तो कैश बढ़ गई। हाय रब्बा सर, ये कैसे है? मान लीजिए मैंने डिबेंचर इश्यू किए, सो डिबेंचर इश्यू किए तो लाइबिलिटी बढ़ गई, मगर बेटा जी कैश भी तो बढ़ गई ना। सो जब कभी भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो कैश बढ़ जाता है, और जब कभी भी लाइबिलिटी कम होती है तो कैश भी कम हो जाती है। तो एक आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, लिख कर ले लीजिए आपके पास। ये आपने लिख कर ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहा है ना तू? देखो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बैलेंस शीट की असेट साइड को अफेक्ट करती है, या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है। सर मैं समझा नहीं। ये बैलेंस शीट देख बेटा, ये बैलेंस शीट में आपके नॉन करंट असेट्स होगी, जैसे मैं इधर लिख देता हूं एनसीए नॉन करंट असेट, जैसे फिक्स्ड असेट, इनटेंजिबल असेट्स, राइट। सिमिलरली बेटा जी यहां पर ये होंगे इन्वेस्टमेंट्स, और इधर क्या क्या होगा बेटा जी, लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट, और क्या होगा, लोन्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। इसके बीच में होने वाले कोई भी उतार चढ़ाव को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहते हैं। आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, उसको सेल किया, बाय किया, फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट बेचा, राइट। दीज आर ऑल व्हाट, नॉन करंट, आई मीन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और वही अगर मैं आपको ये कहूं कि शेयर कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल रिडीम किया, राइट, या लोन्स रिसीव किए, लोन्स को पेमेंट किया, तो ये सारी चीजें कौन सी एक्टिविटी है बेटा जी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, ये कौन सी एक्टिविटी हो जाती है, फिनेंसिंग एक्टिविटी। एग्रीड? इस लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, फिनेंसिंग एक्टिविटी। इस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड किस पर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पर। इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट पर। सो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड कैन बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और यहां पर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड पेड इज व्हाट, फिनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट्स इट, मैंने आपको एक चीज बताई कि बैलेंस शीट में ऐसे ऐसे आइटम्स होते हैं। इधर फिर मिलेगा डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स, रिसीवेबल वगैरह वगैरह। ये सारे आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि डेटर्स होता है ट्रेड डेटर्स, व्यापार, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें प्रिंसिपल ट्रेडिंग एक्टिविटी में जब आप काम करते हो उससे होने वाली चीजें, उसको हम डेटर्स या क्रेडिटर्स या क्या कहते हैं उसको,
बिल्स रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, एग्रीड और नॉट। सो सुनिए, अब मैं आपके सामने एक प्रेजेंट करता हूं, एकदम प्यार भरा पी एंड एल अकाउंट दिख रहा है क्या आपको? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट कहते तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अब इन केसेस में मैं आपको पूछता हूं कि आपने कौन से आइटम यहां पर देखे होंगे, बाय, सेल्स, हाँ कौन, अच्छा ठीक, कुछ बोले, कुछ इंपॉर्टेंट। सो इधर आया बाय सेल्स और इधर आएगा टू परचेसेस, टू वेजेस, राइट, टू डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल, टू इंटरेस्ट पेड बाय प्रॉफिट ऑन सेल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, राइट, बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड, टू डिविडेंड, बोलो ना बाबा, हां समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा तू मुझे देखकर बता ये कौन सी एक्टिविटी है, तो आपने कहा बिंदास सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं पूछूंगा बेटा ये वेजेस कौन सी एक्टिविटी है, तो बिंदास बोलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, धंधे के लिए लग रहा है। डेप्रिसिएशन, तो इसको बोलना सर 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 ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, इसमें ना कोई कैश का लेन देन है, कुछ भी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ गेम ऑन कैश फ्लो, अगर कैश का लेन देन नहीं है हम उस ट्रांजेक्शन को इग्नोर मारेंगे। जैसे डिबेंचर गॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, कोई कैश का लेन देन है नहीं, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जैसे बोनस शेयर्स इश्यू हुए, रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर बोनस शेयर्स दिए, कोई कैश का लेन देन है नहीं, इग्नोर मारेंगे। जब कभी भी कैश का लेन देन नहीं होगा हम चीजों को इग्नोर मारेंगे, क्योंकि हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इज अ गेम ऑन कैश फ्लोस, एग्रीड। डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, आपको इतनी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अब लॉस ऑन सेल, ये बेटा जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड, सोच के बताओ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड, क्यों इंटरेस्ट पे करते हो, क्योंकि आप किसी से लोन लेते हो, सो इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये क्लासिफाई कैसे करूंगा, सर मेरे को तो नहीं आ रहा है क्लासिफाई करना, इस पर मेरे लिए भरोसा रखो मैं करवा दूंगा आपको, ये मेरे भाई आपके लिए करवा दूंगा, बट समझो हम क्या कर रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट को डीकोड कर रहे हैं। अब बेटा बाय सेल्स, ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बोलो हाँ। और बेटा जी और बाय इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट मिला है, इनकम है, कौन सी एक्टिविटी है, बोलो 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 बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डिविडेंड भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी तक आप क्लियर नहीं हो कि कौन सी क्या एक्टिविटी, वो मैं समझा दूंगा। पहला काम है एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना। अब मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों मेथड से सॉल्व हो सकती है, कौन सी, डायरेक्ट मेथड एंड व्हाट, इनडायरेक्ट मेथड, बोलो ना हाँ। मैं आपसे सिंपल सी चीज बता रहा हूं, मैं यहां पे शुरू करूंगा प्रॉफिट, इधर टू प्रॉफिट, बराबर है, ये प्रॉफिट को इधर खींच के लेके आएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब बेटा जितने भी डेबिट के आइटम दिख रहे हैं ना, ये क्या हुआ एक्चुअली, लेस, डेबिट के आइटम से प्रॉफिट कम होता है और क्रेडिट के आइटम क्या हुआ है, एड। अपने मन के मन में समझ जाओ कि अगर डेबिट में लिखा है मतलब माइनस हुआ है, अगर मैंने क्रेडिट में लिखा है मतलब क्या हुआ है, एड, एग्रीड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये प्रॉफिट बनाते वक्त जितने भी डेबिट के आइटम है वो सारे क्या हुए, माइनस। मैं अगर आपको पूछूं परचेसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, माइनस होना चाहिए था क्या, यस, हाथ भी नहीं लगाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्टिविटी में। फिर मैं पूछूंगा टू वेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है क्या, यस, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर मैं देखूंगा अरे टू डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन क्या कोई कैश गई है क्या, ये कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम। सो ये एक्चुअली क्या हुआ है, लेस, इसको मैं अगर उल्टा कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट किस में कन्वर्ट होने लगेगा, कैश में। सो देखो मैं प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, एड डेप्रिसिएशन, एग्रीड।
फिर बेटा नेक्स्ट आइटम देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर। बेटा लॉस हुआ, ये मुझे बताओ तो सर कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट। ये हुआ क्या इधर? प्रॉफिट में लेस हुआ है कि नहीं हुआ है? सो अगर मैं प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं बेटा जी, तो मैं क्या करूंगा, लॉस ऑन सेल को मैं इधर से बोलूंगा कि एड लॉस ऑन सेल, क्योंकि वो लेस हुआ है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एड। तुम अगर इसमें स्ट्रगल करोगे ना तो अड़चन में आ जाओगे। डेबिट मतलब क्या हुआ है, लेस। अगर वो लेस नहीं होना चाहिए था तो क्या कर दोगे, रिवर्स एड। बोलो हाँ। चलो अगला आइटम देखो बेटा, टू इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग। तो इसको यहां पर क्या करेंगे हम, एड इंटरेस्ट। टू डिविडेंड, बेटा डिविडेंड पेड ये किसके ऊपर पेड करते हैं हम, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। बेटा हम ऑपरेटिंग में दिखाएंगे तो सही है क्या, नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड। तो बेटा जी मैं कर दूं क्या, ऐड डिविडेंड। बेटा सेल्स कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा जी आपको लफड़ा समझ में आ रहा है क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये क्या हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट क्या हुआ है, ऐड हुआ है। मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस। तो ये लेस। फिर इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस, लेस। ये भी लेस। और ये डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस, लेस, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो इन अदर वर्ड जब इनडायरेक्ट मेथड आप करने जाओगे तब आपको क्या इमेजिन करना है कि क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, अगर नहीं तो क्या करोगे, ऐड। क्या ऐड करोगे कि जो लेस हुआ है उसको क्या करोगे, ऐड। और जो लेस हुआ है उसको क्या करोगे, सॉरी जो क्रेडिट हुआ है, ऐड हुआ है उसको क्या करोगे, लेस। बोलो ना हाँ। जो डेबिट हुआ है और डेबिट नहीं होना चाहिए था तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड। और जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था तो हम उसको क्या करेंगे, लेस। दैट्स सो सिंपल। बोलो ना हाँ। बेटा जरा सेल के पास प्यार भरी नजरों से देखो, देख रहे हो। इस सेल के बारे में मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, मुझे पता है सबके अंदर की बातें पता है मुझे। ये सेल कह रहा है प्रभु मैं 10,000 हूं। मैंने बोला वेरी गुड, मगर इस 10,000 में 3,000 उधार का माल है, डेटर्स उधार, और वो डेटर्स आज भी मौजूद है बैलेंस शीट में प्रभु। तो बेटा ये प्रॉफिट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर क्या इसमें से 3,000 रुपए अभी तक आए हैं क्या कैश में, नहीं। कितने आए हैं, सिर्फ 7,000। तो ऐड कितने होने चाहिए थे, बोलो बोलो बोलो, कितने ऐड होने चाहिए थे, 7,000। मतलब प्रॉफिट या मेरा कैश कितना है, 7,000 ही ना, 3,000 तो उधार का है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, गेम ऑन कैश फ्लोज। तो बेटा इसमें और एक एक्टिविटी करनी पड़ती है मुझे, कौन से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इनडायरेक्ट मेथड में। वो क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखिए, मैं लिखता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। एग्रीड। अब इस नेट प्रॉफिट को इमेजिन करो, वो पे एंड एल अकाउंट, उसमें कुछ आइटम डेबिट होते हैं, कुछ आइटम क्रेडिट होते हैं। जो आइटम डेबिट होता है उसका मतलब क्या होता है, लेस हुआ है। कुछ आइटम क्रेडिट होते हैं उसका मतलब क्या हुआ है, वो एड। एग्रीड। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा जी, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, यू हैव टू एड, एड बैक नॉन कैश आइटम। मतलब जो भी नॉन कैश आइटम है उसका इफेक्ट रिवर्स करो। डेबिट हुआ होगा तो क्या करेंगे, एड। क्रेडिट हुआ तो क्या करेंगे, लेस। वाव, यू आर लवली पीपल नाउ। नॉन कैश आइटम। फिर बेटा सेकंड आइटम क्या है, जो आइटम पी एंड एल अकाउंट में आया है बट इट इज डेल्ट इन अदर एक्टिविटी, जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह। ये सारे आइटम को आप क्या करोगे बेटा जी, प्रॉफिट में से निकालोगे ताकि आपको कोर प्योर कौन सी एक्टिविटी मिले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा जी मैं इधर लिख दूं क्या, ये ऐड या लेस दोनों हो सकता है, ये भी क्या ऐड या लेस आइटम्स रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज। बोलो ना कौन सा, आइटम्स रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज, क्योंकि हम इसको यहां से निकालेंगे और कोई दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाएंगे।
पीजीबीपी में आप करते होंगे, इनकम टैक्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट? यू डू दिस वे. नाउ लेट्स कम डाउन टू द थर्ड पार्ट. व्हाट इज द थर्ड पार्ट माय डियर फ्रेंड? इट्स वेरी इजी. इसमें क्या होता है कि कई बार है ना, अपने खुद अपने आदमी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आदमी, सेल, ये धोखा देने वाले आदमी लोग रहते हैं. सेल कितना बोल रहा था? 10,000 बोल रहा था ना पिछले प्रॉब्लम में. फिर मैंने आपको अंदर की बात बताई कि सर सुनिए ना, उधर 10,000 में 3,000 उधार का माल है, और ये 3,000 उधार का माल जो है हमने जो बेचा है वो कहां पे दिख रहा है? डेटर्स में. तो हम प्रॉफिट से तो पूरा वर्कआउट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसका इफेक्ट देंगे. मतलब इंक्रीज इन डेटर्स, करंट एसेट रे बाबा, इंक्रीज इन डेटर्स. हम क्या करेंगे? लेस, क्योंकि डेटर्स बढ़ा, आपने रूल लिख कर लिया, असेट बढ़ी तो क्या होगा? कैश फ्लो कम होगा. तो जो ऑलरेडी मैंने सेल के तौर पर ऐड किया था 10,000 रुपए, उसमें से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 3,000. तो ऑटोमेटिकली मेरी कैश मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे? यस. तो ये उसका लॉजिक है. तो आपको जितने भी वर्किंग कैपिटल के आइटम है, जैसे कौन सा? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? जो भी वर्किंग कैपिटल के आइटम है, करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज है, इन सभी को आप क्या करोगे बेटा? एडलेस से इसका इफेक्ट दोगे. बोलो बाबा. हाँ, आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो ये कैसे करेंगे बेटा जी? आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जैसे इंक्रीज इन डेटर्स, तो क्या करोगे? माइनस. अच्छा मैं बोलू, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल. सर ये डिक्रीज कैसे होता है बेटा? पिछले साल के बैलेंस के साथ डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, कंपेयर करना है. सो अगर जो हुआ है तो हम क्या करेंगे? एड. इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हुआ तो एड, वेरी गुड. और डिक्रीज इन बिल्स पेबल तो क्या करोगे? लेस. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा. क्या आप मेरे लॉजिक से संतुष्ट है या कन्विंस्ड है? सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? प्रॉफिट. प्रॉफिट में क्या करना पड़ता है आपको? जो भी नॉन कैश आइटम है उसका एड बैक करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा. सेकंड चीज क्या बेटा जी? आपको आइटम्स रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज को भी इरेडिकेट करना पड़ेगा, मतलब उसको अलग अलग एक्टिविटी में लेके जाना पड़ेगा. और लास्ट वाला क्या है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल मतलब कौन से? करंट असेट्स है. तो करंट असेट्स के जितने भी रिलेटेड आइटम है, वो जो मैंने रूल्स लिख कर दिए, वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. बोलो हाँ. अगर ये सब चीजें मंजूर है तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट आता है. ये देखिए, डरना मना है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेटा, ये हम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट आएगा, राइट? बेटा फिर क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन, एडबैक, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये बेटा नॉन कैश आइटम है दोनों. तो हमने ये क्या किया? एड. बेटा आप देखो, इंटरेस्ट इनकम, ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट. बोलो ना. हाँ बाबा. सो बेटा एक क्रेडिट हुई तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? लेस. इंटरेस्ट इनकम क्या होगा? पीएनएल के क्रेडिट में. क्रेडिट मतलब क्या? एड. एड का मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस. डिविडेंड इनकम, ये भी क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से. बोलो 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 बोलो. लेस. इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या करोगे? एड. पक्का ना? इट विल बी व्हाट? एडेड. क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में गया होगा. ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? फाइनेंसिंग. तो मैं इधर क्या कर दूंगा? इसको एड, क्योंकि वो लेस हुआ था. हाँ या नहीं? उसको एड कर दूंगा. दैट्स लवली. अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, इंक्रीज इन डेटर्स, ये क्या होगा? एड या लेस? लेस. डिक्रीज इन इन्वेंटरी, एड. समझ में आ रहा है ना? असेट कम हुई. डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेस. और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अगर कुछ आएगा, और उसके बाद में इनकम टैक्स पेड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा. फिलहाल के लिए आपको एक मोटा मोटी रफ मेक फॉर्मेट समझ में आया कि ऐसा कुछ है. इधर मैंने हालांकि फॉर्मेट के ऊपर भी फोकस नहीं किया, फॉर्मेट पर हम फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंसेप्ट क्वेश्चन. मैं अभी के लिए, टाइमिंग के लिए जो फोकस कर रहा था आपके साथ में, वो लॉजिक के ऊपर काम कर रहा था. सो लॉजिक आपको क्लिक हो गया ऐसा मुझे लग रहा है. अब चलते हैं, ये नहीं चलना बाबा. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एक्विजिशन ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, मेकिंग एंड कलेक्टिंग लोन्स, एक्वायरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टी एंड फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा. बोलो हाँ. सो बेटा जी, मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि कौन सी चीजें इन्वॉल्व रहेगी. सुन रहा है ना तू? आर यू ऑलरेडी? बिल्डिंग मतलब फिक्स्ड असेट. और क्या है? इन्वेस्टमेंट. और क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस.
ये सारी चीजें क्या बेटा जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना कि इससे जुड़ी हुई इनकम या एक्सपेंस ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही क्लासिफाई होगी। इससे जुड़ी हुई इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम रिसीव, इससे जुड़ा हुआ एक्सपेंस मतलब कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन टैक्स होता है ना इनकम टैक्स एक्ट में। सो अगर मान लो तुमने एक जमीन बेची और तुम्हारे ऊपर उसके लिए टैक्स लगा, उसका रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी या कोई भी टैक्स लगा, तो वो टैक्स बेटा जी आप कहां से लेस करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से। एग्रीड, ये ध्यान में रख। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया, इन्वेस्टमेंट, एनी इनकम रिलेटेड टू देम शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सुन रहे हैं ना तू, ये सभी चीजें क्या होगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये आगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जो अगर इधर तक रेडी हो तो शैल आई पुट वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। बेटा जी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कौन सा मेथड फॉलो होता है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड। तो आपको किस पर काम करना पड़ेगा हमेशा, कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कैश पे हुआ, ये कैसे निकालना। तो इसके लिए मेजॉरिटी केस में आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एग्रीड। सो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें लिखा कर देना चाहता हूं। एक चीज लिख लीजिए, ये फर्स्ट लाइन लिखकर ले लीजिए और फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा लिखकर। Shall we go ahead now? इसमें अपनी जो नोट लिख कर देनी है वो नोट लिख कर लीजिए। नोट क्या है, हिंट लिख लो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड एनी डायरेक्टली रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा और कैपिटल गेन टैक्स। मतलब उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है। बोलो भाई। हाँ हाँ, जो तुम रेडी हो जाओ तो हम आगे चले। सुन रहे हैं ना तू, इसी के साथ हम चल रहे आगे। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ एक एग्जांपल्स देख रहे हैं अभी हम। देखिए, कैश पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, मैंने कहा था फिक्स्ड असेट, कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट, कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स वॉरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना बेटा आपका। कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर वॉरेंट्स डेट इंस्ट्रूमेंट और ऑफ अदर एंटरप्राइज, कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज, कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी मत जाओ दिमाग मत लगाओ फाइनल में, कैश रिसीट फ्रॉम फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, कहां पे फाइनल में,
फॉर दैट यू हैव टू पास आईपीसीसी। ये अभी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो बैलेंस शीट की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती, मतलब क्या, शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स या बोरिंग्स, एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या डिबेंचर्स, इन सारी चीजों को बेटा जी आप क्या बोलोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उतना ही नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस, ये भी क्या होगी बेटा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली। सो शैल आई शो यू, ये देखो, एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is what financing activities includes, receipt from issue of shares, debentures, bonds, borrowings and payment of borrowed amount or loan etc. ek example deta hu aapko main iska, matlab ek shortcut kya hai hint iska, note, it includes what, first one, it includes share capital, preference and equity both, ltb long term borrowings, right, it can include debentures, long term kisi ko loan diya hai to wo sari cheeze, and my dear friend it also includes related income and expenditure. ab iska related expense main aapko bata sakta hu, related expense, so the first one is what, interest paid, dividend paid, ye uske kya related expense, इनकम का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनकम किसी भी एक एकादी बहुत और एकादा कोई कैजुअल ऑर्गेनाइजेशन में एकादी इनकम आ सकती है, वो कैसे आती है उस पर हम नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास शेयर्स के पैसे आए हुए कुछ दिन तक और आपने उस शेयर्स को अलॉटमेंट के पहले आपने बैंक में रखा है और उस बैंक पर मिलने वाला इंटरेस्ट एक टेम्पररी पर्पज के लिए आपको जो मिला हुआ इंटरेस्ट होगा कोई, सो वो हो सकता है कि इट इज अ फाइनेंसिंग इनकम, बट यू नीड नॉट वरी मच अबाउट इट राइट नाउ, इस चीज पर फोकस कीजिए। ब्रिज लोन नाम का कंसेप्ट आएगा आपको एफएम में, ब्रिज लोन, तो ब्रिज लोन के वक्त जो इनकम आती है वो आप सोच सकते हो कि वो इनकम है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हाउएवर यू नीड नॉट वरी अबाउट इट राइट नाउ, इज दैट ओके। एक चलो तुमको एग्जांपल चाहिए तो बता ही देता हूं, एक डैम बनाने के लिए मैंने पैसा उठाया, मान लेते हैं कि मैंने 300 करोड़ रुपए उठाए, मगर मुझे 300 करोड़ रुपए एक साथ नहीं चाहिए, धीरे धीरे लगेंगे, तो मैंने उस पैसों को पार्क कर दिया बैंक में इन अ फॉर्म ऑफ एफडी, उस एफडी पर जिससे मेरा लोन का अमाउंट चेंज हुआ, वो जो मैंने पैसा लिया वो लोन है, मगर उससे मेरा क्या चेंज हो रहा है, लोन साइड चेंज हो रही ना, ओनर्स कैपिटल और बोरिंग्स चेंजेस, दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके ऊपर मुझे टेम्पररी इनकम मिलेगी क्या, नहीं, वो टेम्पररी इनकम हो सकती है कौन सी एक्टिविटी में से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से। हाउएवर आपको चिंता नहीं करना है, आपके लिए कौन सा होगा, एवरी टाइम इसमें एक्सपेंसिव होगा, इज दैट ओके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप ये पॉइंट और ये पॉइंट लिख कर ले लीजिए, ये हो गया यहां तक बेटा, डन डन डन, शैल वी गो अहेड नाउ, इसके एक एग्जांपल देखिए, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया था आपको, कैश पेमेंट टू ओनर टू एक्वायर और रिडीम द एंटरप्राइजेस शेयर्स, फॉर एग्जांपल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर्स,
कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, कैश पेमेंट बाय लीज फॉर द रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू फाइनेंस लीज, विल सी इट इन एएस 19 लीजेस, नॉट वरी। ये क्वेश्चन अच्छा, विद दिस माय डियर फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड विथ व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू डील विथ सम ऑफ द स्पेशल केसेस, कि जिन आइटम्स में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये किस में जाएगा, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऐसे कुछ स्पेशल आइटम डिस्कस कर लेंगे बेटा। हियर वी गो विद द स्पेशल आइटम्स। ये सारे स्पेशल आइटम्स आपने लिख कर लेने हैं आपके पास। पहला वाला ये डायरेक्टली, ये नको, इससे डर जाओगे, ये मैं प्रॉब्लम के साथ करूंगा, नको बाबा भी। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, पहले छोटे छोटे एकदम पिद्दू पिद्दू से आइटम लेते हैं, ठीक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिखिए हेडिंग, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। उसमें से बेटा जी मैं इसको दो हिस्से करता हूं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या तो हो सकता है पेड या तो हो सकता है रिसीव, बिल्कुल सीधी सी बात है, राइट। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूं, यहां पर बोलता हूं सिर्फ इंटरेस्ट, नको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पेड, ये दो चीजें हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक के लिए, या किसके लिए, बैंक के लिए। अरे उनका डे टू डे एक्टिविटी है बाबा, इंटरेस्ट पेड, राइट। तो बैंक एफडी लेती है अपने पास और एफडी पर बैंक क्या पड़ती है, इंटरेस्ट पे, उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर अदर्स इट इज व्हाट, इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर हुम, अदर्स, अदर्स मतलब आप लिख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अग्रवाल क्लासेस, इनके लिए कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेड मतलब लोन लिया होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एंड लार्ज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, किसके लिए, बैंक, क्योंकि बैंक को ही तो इंटरेस्ट मिलता है ना, बैंक या जिसका मेन पर्पज है लोन का लेन देन, साहूकार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मनी लेंडर, इनके लिए क्या मेन धंधा है, पैसा लेना पैसा देना, तो इनके लिए इंटरेस्ट क्या है बेटा जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा वाला, दूसरा वाला इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जैसे आनंद भांगड़िया के लिए, आनंद भांगड़िया ने अभी बीच में किसी को लोन दिया, मेरा लोन देन का काम नाम नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट मिला तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल क्लासेस एक्सेट्रा, अदर्स के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये समझ में आया स्पेशल आइटम, जैसे इंटरेस्ट का किया, लगे हाथों किसका कर लेते, डिविडेंड। सो बेटा जी इधर लिखिए हेडिंग डिविडेंड, डिविडेंड, राइट। सो बेटा डिविडेंड के बारे में मैं आपको लिख कर देता हूं, पहला वाला डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा पेड रहा तो ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड कोई भी टाइप की कंपनी हो, ऑलवेज डिविडेंड पेड इज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा डिविडेंड रिसीव्ड इट कैन बी ऑपरेटिंग फॉर होम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां पर क्या होती है बेटा, ट्रेडिंग इन शेयर्स, मतलब शेयर्स हेल्ड एज, शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो अगर डिविडेंड मिला तो कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा जी, ऑपरेटिंग। और दूसरा वाला बेटा जी डिविडेंड रिसीव्ड आई कैन से इट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अदर्स के लिए। समझ में आ रही ना बात ध्यान में, ये किसके लिए बेटा जी, अदर्स।
सुन रहा है ना तू? हैप्पी? चलिए अभी कुछ पार्ट में आपको होमवर्क दूंगा और आपको होमवर्क करके आना है, मतलब आना है, राइट? सो शैल आई स्टार्ट गिविंग द होमवर्क? यस। मुझे कुछ चीजों की एंट्रीज लगेगी कल, जो हम आज आपको होमवर्क देंगे, कल आप डिस्कस कर कर लेकर आना, टुमारो विल डिस्कस इट। सो राइट डाउन होमवर्क, ब्रश अप द फॉलोइंग कंसेप्ट, ब्रश अप एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला वाला लिखता हूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और ऑब्लिक क्या है, डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। दूसरा मुझे आपसे अपेक्षा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्रीज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्रीज इन बोथ द मेथड्स। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में एंट्रीज क्या है, और जब व्हेन नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड इज यूज, आपको ये निकालना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको क्या निकालना है, सेल की एंट्रीज कैसे होती है दोनों इसमें, डेप्रिसिएशन की भी एंट्रीज कैसे होती है इनमें, देखना। थर्ड वन, टैक्सेस के अकाउंटिंग के एंट्री, टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, असेसमेंट कंप्लीट हो गया मुझे बताना। फोर्थ, बोनस शेयर्स की एंट्रीज। फिफ्थ वन, डिबेंचर्स इंटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इंटू शेयर्स। सिक्स्थ एंट्री, सुन रहे तू, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इंटू शेयर्स। अभी और एक चीज आपको इसमें क्या समझनी है, यूल हैव टू मेक द एंट्रीज ऑफ फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। ये कुछ है क्या, शायद और भी लग जाए, हम देखेंगे, कोशिश करके आना। इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर लिख दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, टैक्सेस, बोनस शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ, राइट? इतने आप करने की कोशिश करना, आगे की चीज हम देख लेंगे। जो नहीं आए तो डरना मत, मगर मेरी बात मानना कि अगर आप घर पर कर कर आने की कोशिश करोगे तो ये चीजें ज्यादा आसान तरीके से आएगी आपको, इज दैट ओके? बट अगर आप डर कराओगे तो फिर तो अड़चन ही है। एक और चीज लिख लो, सेवेंथ, डिविडेंड की एंट्रीज, डिविडेंड, डिविडेंड की एंट्रीज कैसे करते हैं, इज दैट ओके? सो विद दिस वी डिपार्ट फॉर द डे। लिख लो, ये मुझे लगता है कि अभी तक का जितना भी मैंने होमवर्क दिया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क मैंने आज दिया होगा, अभी तक कोई भी दिया होगा उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट होमवर्क मैंने आज ही दिया है। मतलब ये होमवर्क अगर आपने कर लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बाएं हाथ का खेल है, और अगर ये नहीं किया तो अपेक्षा मत रखना अपने साथ कि मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, आएगा, मगर वो तड़जोड़ वाला भाग रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जुगाड़ वाला चीज होता है, जिसको जुगाड़ नहीं करना है, जिसको ये पता है कि मुझे आना ही चाहिए परफेक्टली, मुझे क्लिक होना ही चाहिए, तो इनके एंट्रीज आपके साथ होनी चाहिए, इज दैट ओके? चलो एकदम प्यार से बाय बोलो, बाय एंड गॉड।